जनपद के थानों में तैनात हेड मुररी की बैठक एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी ने कहा कि मुंशी ही थानों की रीढ़ होते हैं, इसलिए सभी हेड मुररी जनता के साथ मधुर व्यवहार रखें, महिला विकलांग तथा बच्चों के समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करें। थानों के समस्त रजिस्ट्रारों के साथ त्यौहारों रजिस्टर का अद्यावधि कर लें तथा बीते त्यौहारों का भी त्यौहार रजिस्टर पर अद्यावधि करें। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, डेढ़ सौ में से केवल 72 फीड हुए, 150 गाड़ियां चोरी हुई, आपने 72 फीड करी, कैसे मिलेगी गाड़ी? ये नहीं होगा। आपके यहाँ भी 67 केस है, 28 फीड हुए हैं, बहुत खराब स्थिति है। 580 केस है और 200 फीड किए गए हैं, 280 के आसपास नहीं फीड किए गए हैं। जी, आज एक और दूसरी बैठक थी जिसमें सभी थानों के हेड मुहर्रर और जो मुंशियात हैं उनके साथ, ये भी एक मासिक समीक्षा बैठक होती है क्योंकि हमें थाने की जो वर्किंग है वो बहुत डिपेंड करती है थाने के मुंशियों पर, उनकी ब्रीफिंग और उनको काम के तरीके, उनके काम के तरीकों की समीक्षा बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो आम जनता है वो सबसे पहले थाने के मुंशी से ही टकराती है, उनके व्यवहार पर ही डिपेंड करता है पुलिसिंग का मानवीय चेहरा कैसा होगा और पुलिसिंग कैसी होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मासिक समीक्षा बैठक हेड मुहर्रर और मुंशियों की थी और इसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए गए और उन्हें गाइडलाइंस दी गई हैं कि और थाने में सुधार आए।